जम्मू कश्मीर से इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में लेटर जो है वो सबमिट कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप सब लोग अपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला जी को यहाँ पर अपना जो ये कहें कि लेटर है वो उनकी सपोर्ट में सबमिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जी ए मीर जी की बात करें या फिर बाकी जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इस समय जो है वो इसमें आप जरूर देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है और अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है वो ये कहें कि जवाब नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में बता दें कि अभी की ये सबसे बड़ी अपडेट है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कल जो है वो उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिसे वहां पर राजभवन में मुलाकात करेंगे और अपना जो भी ये कहें कि लेटर होगा वो उन्हें सबमिट करेंगे और उसके बाद आगे की अपनी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार जिस तरह से ये खबरें जो है वो आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है फिलहाल अभी तक कोई भी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला है, तो आपको बताते चलें कि अभी का एक सबसे बड़ा अपडेट है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना लेटर जो है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में जो है वो हैंड ओवर कर दिया है और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जी को, और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो है वो सरकार यहां पर बनने जा रही है। और बता दें कि अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार आएगी तो वो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी, महिलाओं को फ्री जो सर्विसेज होगी बसेस की वो देगी और इसी के साथ साथ साल में जो है वो 6 सिलेंडर जो है वो फ्री देगी। हालांकि उनका ये कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो महिलाओं को गैस सिलेंडर्स तो दे दिए लेकिन उन्हें भरवाने के लिए जो है पैसे वो कहां से लाएंगे, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्हें साल के 6 सिलेंडर फ्री देगी। कैरोसिन ऑयल के हवाले से बात करें या चीनी के हवाले से बात करें जो लोगों को राशन में मिलती थी वो भी जो है वो दी जाएगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम वादों को क्या पूरा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और इसी के साथ साथ जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को सीटें मिली हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने 42 सीटों पर अपना जीत जो है वो हासिल की थी। और उसके बाद जिस तरह से 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा था, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 46 के करीब जो एमएलए थे वो हो चुके थे, लेकिन उसके बाद बहराज मलिक के द्वारा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करने वालों की तादाद जो है वो एमएलए की सपोर्ट करने वालों की तादाद जो है वो 47 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद सीपीआई पार्टी के जो है यूसुफ तारेगामी उन्होंने भी जो है वो सपोर्ट करा है तो 48 तक, और उसके बाद 6 जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी जो है वो आज कहीं ना कहीं आपको बताने चलें कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो सपोर्ट करा है, जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में 53 के करीब यानी कि 53 के करीब जो है वो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स यहां पर हो चुके हैं और अब भारी बहुमत से जो है वो यहां पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सरकार जो है वो यहां पर बनाएगी। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि जिस तरह से स्टेटहुड को लेकर भी बात यहां पर की जा रही है कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होना चाहिए ताकि आगे का जो काम है वो जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से हो सके और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर लाए जा सके और नौजवानों को बेरोजगार जो है वो दिया जा सके। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। फिलहाल बड़ा अपडेट के कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर दिया है, जिसके बारे में उन्होंने एक लेटर जो है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला उन्हें जो है वो सबमिट किया है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद जय भारत।